8 महीने का टॉर्चर। और सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोड़ भारतीयों का, अपने देशवासियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए सोशल मीडिया पे हो, चाहे दुआएं मांगी हो, चाहे प्रार्थना की हो, चाहे मंदिर गए हो, गुरुद्वारा गए हो, मस्जिदों में, चर्च में, हर जगह जहाँ से इतनी दुआएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वरना तो इस बार जेल में इतनी, मतलब पाँच पाँच दिन तक मुझे खाना तक नहीं दिया गया, इतना टॉर्चर किया गया मेंटली भी और फिजिकली भी कि क्या बताऊं आपको। अगर कहा जाए खुद को पोषण का शिकार हो गया हूं, पैर दिखोगे कभी, अभी दिखाता हूं तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर। और जुडिशरी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जुडिशरी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि डॉक्टर कफील ने जो अलीगढ़ में भाषण दिया था वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, वो देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए, एकजुटता के लिए था। और उन्होंने साफ साफ कहा है डॉक्टर कफील ने, हेल्थ पे बात की है, एम्प्लॉयमेंट पे बात की है, एजुकेशन पे बात की है, रोटी कपड़ा मकान पे बात की है। हाँ ज़रूर NTCA के खिलाफ बोला है, NRC के खिलाफ बोला है, पर यह भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांधी जी के अहिंसा के, सद्भावना के साथ होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबसे भाई मिलकर, भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ आना चाहिए। फिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया, मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ के 48 घंटे तक इंटरोगेट किया गया, STF की टीम ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे। मैंने कहा भैया मैं डॉक्टर हूँ बच्चों का, मैं कहाँ से पाउडर बना लूँगा, कोरोना की बात कर रहे हैं क्या, तो आप चाइना से पूछिए। आप सरकार गिरा रहना चाहते हैं, हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग, हमने कहा लाइए सुना दीजिए, एक भी सबूत आपके पास हो तो, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं। आप जापान गए थे, मैंने कहा हाँ पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया, अरे जापान कैसे, इंडिया से बाहर कैसे जा सकता हूं जब पासपोर्ट मेरा जुडिशरी के पास जमा है। तो एक तरह से बहुत टॉर्चर किया, फिर जेल में रह के, जेल में ऐसी जगह रखा जहां पे 150 कैदी थे, वो 9 महीने का BRD ऑक्सीजन ट्रेजिडी के बाद जो 9 महीने का दर्द था उसको उससे ज्यादा, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा पतली पानी की तरह दाल, कच्ची रोटियां, वही सुबह शाम खाना है, जीना था। उम्मीद थी कि आप लोगों से दोबारा मिल सकूंगा, मुखातिब हो सकूंगा, आप लोगों से बात कर सकूंगा, और आप सबकी दुआएं काम आई। मथुरा की नगरी, कृष्ण जी की पवित्र नगरी में रह के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देना, अपना दिल साफ रखना, यही धर्म होता है। और हम लोग रामायण देखते थे, 9 बजे से 10 बजे तक हर रोज आता था लॉकडाउन के टाइम भी, तो उसमें भी जो उत्तर रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को जब एक बात कही थी, जब उन्होंने धनुष उठा लिया श्री लव कुश के खिलाफ ही, तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राजधर्म होता है, राजहट नहीं। पर यहाँ तो राजा मेरा
बाल हट पे आ गया। बच्चों की जान बचाने की कितनी बड़ी सजा दोगे भाई? क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया था? महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि बाल हट मत करो, इस तरह से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना, फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना जेल में। बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाओ, अपने सामने मरते हुए उनको देखा है। कोरोना के टाइम जब इस भारत में, इंडिया में कोरोना ने एंट्री नहीं की थी, 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कोरोना पे लेके, और उस वक्त मैंने साफ साफ कहा, बताया था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इससे बचना है। और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 19 मार्च को ही एक लेटर जेल से सुप्रिंटेंडेंट जी के द्वारा भिजवाया, और उसमें साफ कहा कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बच नहीं सकते, हमारा भारत देश ऐसा है, क्योंकि मैंने पूरा भारत घूमा है, कितनी गरीबी है, एक एक घर में चार चार लोग कैसे रहते हैं, एक पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है, हजारों लोग उसी में रहते हैं। बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए, 8 महीने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया। जेल में जानबूझ के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लीजिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, नहाने के लिए आधे आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, गर्मी इतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के पूरा नहा के पूरा बिस्तर बिछा के बिस्तर को भी भिगा देता था तब जाके लेटता था। और वो 150 लोग, 534 लोगों की रहने की जगह है वो, लेकिन 1600 कैदी थे। अब बताइए वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, वो ख्वाब था। लोगों की सांसें, लोगों की बदबुआ, लोगों की मतलब पेशाब की महक, अरे एक टॉयलेट होता था, 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट, किस तरह से जिंदगी गुजरी है। और एक बात बता दूं, सिर्फ मैं नहीं सफर किया हूं, पूरी फैमिली को हरास किया है, पूरी पूरी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसका कोई बयान नहीं है जी। मेरा बच्चा जो 11 महीने का था, जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था, आज चलता है, दौड़ता है, बोलता है। पिछली बार भी जब BID में 70 बच्चे मरे थे, और उस वक्त भी बिना बात के झूठ केस में फंसा के जेल भेज दिया गया, और जब 9 महीने बाद हाई कोर्ट ने कहा कि अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा। उस वक्त भी अपनी बच्ची जब वो को छोड़ के गया था तब भी वो 11 महीने की थी, चल नहीं पा रही थी और बड़ी हो गई थी। आज मेरे दोनों ही बच्चे, मेरे ही दोनों बच्चे, मैं खुद अपना बाप होके, मैंने दोनों बच्चे, मुझे बाप पापा का मतलब नहीं समझते हैं, अब्बू जान का मतलब नहीं समझ पाते हैं, पिताजी का मतलब नहीं समझ पाते हैं, ये दर्द है। मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी होके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही, तब जाके ये जीत हुई है। और जुडिशरी ने इतना अच्छा ऑर्डर किया है। एक बात और करा दूं, STF का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त मेरा इनकाउंटर नहीं कर दिया विकास दुबे की तरह, वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते। लोगों की आवाज़ को दबाना ही इनका काम है। बहरहाल ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करूँगा, वरना तो हाई कोर्ट में डेट पे डेट हर 14 दिन पे कैसे एक एक दिन कटेगा, एक एक घंटे कटेगा ये सोचता था, कैसे वो टाइम आएगा जब वो मैं बाहर निकल पाऊँगा, तब मेरी जज मेरी कोई बात सुनेगा। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी माँ सुप्रीम कोर्ट गई, और मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ
जो उसने कहा कि 15 दिन में फैसला सुनाऊं, और मैं चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी का हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा ऑर्डर दिया 15 दिन के अंदर ही, जिसमें साफ साफ लिखा है कि MBBS करने के बाद 2016 में मैंने ज्वाइन किया था, 2017 में घटना हुई थी, एक साल का जूनियर था मैं, जूनियर मोस्ट डॉक्टर, और फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जी जान लगा दी, और उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया गया। और ये नहीं, इसके अलावा नहीं, द पेटिशनर एंड हिज अदर फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग द डिटेनी वर कंटिन्यूसली हरास्ड एंड विक्टिमाइज्ड बाय द स्टेट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गोरखपुर बाय सेवरल मींस। मेरे यानी कि मुझे ही नहीं, पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहा। मेरे भाई पे गोली मारी गई थी, आपको याद होगा शायद, वहाँ पे जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहते हैं 500 मीटर दूरी पे। आज 3 साल होने जा रहे हैं उस बात को, एक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई चार्ज नहीं हुआ है। बहरहाल आते हैं हम AMU के, जो लोग कहते हैं कि भाषण मैंने गलत दिया था उसके बारे में, कहते हैं कि मैंने भड़काऊ भाषण दिया था, कहते हैं कि मैंने दो धर्मों के बीच, दो रिलीजन के बीच एनमिटी, हेट्रेड, वायलेंस फैलाने की कोशिश की। पूरी स्पीच लिखी है उन्होंने, पूरी स्पीच, द वर्जन ऑफ द स्पीच, पूरी स्पीच लिखी है, एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरत फैलाए। मैंने बात की थी देश की अखंडता की, यूनिटी की, सद्भावना की। मैंने बात की थी एजुकेशन की, हेल्थ की, एम्प्लॉयमेंट की, इकोनॉमी की, रोड की, हाउसिंग की। मैंने बात की थी उन 70 बच्चों की जो BRD में मर गए हैं। मैंने बात की नहीं उन 8 लाख बच्चों की जो इंडिया में मर गए थे उस साल। मैंने बात की थी कि हमारे 50% बच्चे कैसे कुपोषण का शिकार हैं। मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एड्स और HIV का हब बनता जा रहा है। मैंने बात की थी कि 72% ऑफ पॉपुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर वहाँ पे है ही नहीं। आज हालत दिखाई दे रही है ना, आज कह रहे हैं हम इतना GDP खर्चा करेंगे, 1% GDP खर्चा होता था। एक गरीब को इलाज नहीं मिलता है और मर जाता है तो बेचारे कंधे पे लाद के लेके चले जाते हैं। उसके लिए लड़ रहा था, कैंप किया, पूरा इंडिया घूमा, 103 कैंप किए, 50,000 बच्चों को देखे, मुफ्त में दवाइयाँ दी। अकेले नहीं किया, बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से लोग मेरे साथ शामिल थे, बहुत लोगों ने साथ दिया, पर हुआ क्या, उसको भी दबा दिया गया। बाहर आ गया हूँ, कोशिश करूँगा और फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूँगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले लें। 3 साल से सस्पेंड किए हुए हैं, कैसे जिंदगी चल रही है, कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है आपको बता नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फीस कैसे भरी गई है बता नहीं सकता। पिछली बार हम लोग केरल और असम और बिहार में हम लोगों ने बहुत काम किया था, और इस बार भी काम करना चाहूँगा, क्योंकि बाढ़ का पानी बीतने के बाद बहुत सी बीमारियाँ आती हैं, महामारी आती है, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, कालरा, स्किन डिजीज़, चमड़ी की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, कान बहना बहुत होता है, उस पर काम करना चाहूँगा, कोरोना वॉरियर की तरह काम करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा अगर योगी जी की कृपा होगी, नौकरी अगर वापस मिल गई तो किसी हॉस्पिटल से अटैच होकर रिसर्च करूँ और कोशिश करूँ कि कोई नई दवा ईजाद हो पाए जिससे हमारा देश की और किसी की मौत ना हो। बढ़ता जा रहा, हर रोज़ 1,000 लोग मर रहे हैं, एक का भी मरना बहुत खतरनाक बात है। जिसके घर में, परिवार में एक मौत होती है वही वो जानता है, एक भी मौत होती है, और यहाँ तो सब 60-65 हज़ार लोग मर चुके हैं। उस पर काम करना चाहूँगा, और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनी पिग बन जाऊँ, मेरे ऊपर रिसर्च हो जाए, मैं खुद टीका लगवा लूँगा, अपने आप को वॉलेंटियर करूँगा मैं, ये मेरी नई योजना है। अभी कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, अभी तक मिल नहीं पाया हूँ,
कल भी आप सोच लीजिए, कल 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में ऑर्डर पहुंच गया था हाई कोर्ट का, डीएम अलीगढ़ को हाई कोर्ट का ऑर्डर मिल गया था, लेकिन फिर भी 12 घंटे तक ये लोग यही कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोई और केस में फंसा दें। जैसे इन्होंने पिछली बार अलीगढ़ में जब मुझे गिरफ्तार किया था मुंबई से, तो जब मुझे बेल 10 फरवरी को मिल गई थी, तो चार दिन तक कोर्ट के आदेश के, दो दो बार आदेश के बावजूद छोड़ा नहीं मुझे, इलीगली मुझे डिटेन करके रखा और फिर NSA लगा दी। NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मैं टेररिस्ट हूँ क्या? दाढ़ी ये जो बढ़ जाती है जेल में बढ़ जाती है। आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी में धर्म के भेदभाव में करता हूँ? 50,000 जो बच्चों को देखा, पूछा कोई कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, उस पर इल्ज़ाम लगाओगे? इल्ज़ाम वो लगाते हैं जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है, जो भरा होता है गंदगी से, वो दिमाग वो लगाते हैं। अभी UP से घर नहीं गया हूँ, गोरखपुर नहीं गया हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रही है, फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें। हो सकता हो आपके बीच में ना रह पाऊँ, हो सकता हो ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता है। आपने ध्यान दिया है, कोई भी बड़ा मंत्री, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई भी बड़ा जो है चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हेल्थ, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, सब लोग वेदांता में जाके इलाज करा रहे हैं। वेदांता यानी कि नोएडा में करोड़ों रुपए का इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, वहाँ गरीब जाएगा, गरीब मरेगा, और गरीब मरता है तो मर जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बार बार जेल में डाल के, मार के, पीट के, तोड़ के, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो, उल्टा लपटा रात को डंडे से मारो, गांड लाल कर दो एकदम पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो, ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है। आई वोंट बेंड, मैं झुकूंगा नहीं। डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। कहते हैं ना कि लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, अरे हम इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं, उसको तुम जो है उस पर NSA लगा देते हो, हैं? कोर्ट ने कहा है कि जो कुछ है यह अवैध NSA लगा है, सारा अवैध लगा है। देखो कि क्या हालत बनाई है। भट्टी साहब आप बोल रहे हो तो देखो क्या हालत बना दी है। मैं कुपोषण के लिए वो कर रहा था, ये देखो ये टांगे हैं मेरी, ये हाथ है, खाना जो है जिंदगी का, जो मैं खुद कुपोषण का बच्चों का इलाज किया करता था, आज खुद कुपोषित हो गया। घर वालों को किस तरह से परेशान किया गया है वो बता नहीं सकता, पर आप लोग जो 138 करोड़ देशवासी हैं मेरे, उन सबका साथ मैं कभी भूलूंगा नहीं। और जल्दी हम डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन के तहत कैंप लगाएंगे, और इस बार एक बड़ी टीम बना के एक साथ कई जगह पे, असम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, जहाँ जहाँ पे, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ पे बाढ़ ने, पश्चिम बंगाल जहाँ पे तूफान आया हुआ है, अभी भी लोगों को घरों पे टूटे हुए पड़े हैं, हर जहाँ पे जाना चाहूँगा, पूरा देश जाना चाहूँगा, पूर्वांचल अपना गोरखपुर, अपना उत्तर प्रदेश, हर जगह जाना चाहूँगा, पूरा भारत में टीम बना के हम इस बार एक बड़े लेवल पे कैंप करेंगे। जी हाँ, बहुत मारा, फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया। फिजिकल में जो टॉर्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं, पर जो मेंटल टॉर्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। इन 8 महीनों में देखिए किस तरह से झुर्रियाँ आ गई हैं, किस तरह से काले पड़ गया हूँ,
किस तरह से जो है 10 साल बूढ़ा कर दिया है। अभी अभी बच्चे मेरे पास पहुंचे नहीं हैं, मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूं, आंखें तरस रही हैं, गले मिलना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूं, रोना चाहता हूं, सीरियसली रोना चाहता हूं। तब जिस तरह से जिंदगी कर दी है, अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है, सोना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। यार पता है जेल में क्या होता था, 8-2 घंटे पे पहरा लगता था। हाँ साहब, भी 146 कैदी नसर नमहनी सकुशल हैं। 5 बजे सुबह लाइन लगाओ, परेड लगाओ। आपकी आवाज